हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई अपडेट। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कहा जाता है। इसके द्वारा ITI 12th BSc MBA ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स के लिए विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, और इन पदों के लिए कोई रिटर्न एग्जाम का आयोजन नहीं किया जाएगा, सिर्फ मॉक इंटरव्यू के आधार पर ही इनका चयन किया जाएगा। इनको छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिसकी अवधि 3 साल होगी, जिसे बाद में कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के आधार पर आगे रिन्यू किया जा सकता है। इसमें मेल और फीमेल जो भी इंडिया के नागरिक हैं उनके लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ITI अप्रेंटिसशिप और ITI रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट्स डालता रहता हूँ। दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल में। क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यह AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा 11/5/2023 को वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वेरियस पोजीशंस के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें मैनेजर रैम मेंटेनेंस की 3 पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर रैम मेंटेनेंस की 4 पोस्ट है, सीनियर सुपरवाइजर रैम मेंटेनेंस की 28 पोस्ट है, जूनियर सुपरवाइजर रैम मेंटेनेंस की 12 पोस्ट है, सीनियर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की 15 पोस्ट है, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की 30 पोस्ट है, यूटिलिटी कम रैम ड्राइवर की 30 पोस्ट है, टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की 1 पोस्ट है, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की 3 पोस्ट है, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की 5 पोस्ट है, टर्मिनल मैनेजर कार्गो की 1 पोस्ट है, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर कार्गो की 2 पोस्ट है, ड्यूटी मैनेजर कार्गो की 7 पोस्ट है, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो की 10 पोस्ट है और जूनियर कार्गो ऑफिसर की 9 पोस्ट है। इसका जो वर्क इन इंटरव्यू की डेट वो 25/5/2023 से 27/5/2023 से 23 तक 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रखा जाएगा, जो कि GST कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 गेट नंबर 5 शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई में रखा जाएगा। इसके अलावा सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 50 पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 165 पोस्ट है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 100 पोस्ट है, पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 5 पोस्ट है। इसके जो इंटरव्यू की डेट है 28/5/2023 से 30/5/2023 तक रखी गई है, और इसमें मेल और फीमेल इंडियन कैंडिडेट है वो अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। इनकी जो पोस्टिंग होगी वो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिसकी अवधि 3 वर्ष होगी के लिए रखा जाएगा, जिसे बाद में कैंडिडेट की परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के आधार पर रिन्यू किया जा सकता है। अब इसमें क्वालिफिकेशन है दोस्तों, क्वालिफिकेशन थोड़ी लंबी है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, बाकी डिटेल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना। सबसे पहले मैनेजर रैम मेंटेनेंस के लिए ग्रेजुएट या बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग में या 3 ईयर डिप्लोमा या MBA के साथ साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो इसकी सैलरी होगी 75,000 रुपये, जो अधिकतम एज है वो 55 वर्ष रखी गई। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब फंक्शन सेवाएं, ये आप नोटिफिकेशन से पढ़ लेना। उसके बाद डिप्टी मैनेजर रैम मेंटेनेंस के लिए भी ग्रेजुएट बैचलर की डिग्री 3 ईयर डिप्लोमा या MBA इसमें के साथ साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी है वो 60,000 पर मंथ और अपर एज लिमिट 55 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में आगे सीनियर सुपरवाइजर रैम मेंटेनेंस के लिए भी ग्रेजुएट बैचलर डिग्री या डिप्लोमा के साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल का वैलिड लाइसेंस, सैलरी 45 वर्ष और अधिकतम एज लिमिट 55 वर्ष, इसमें भी एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। फिर जूनियर सुपरवाइजर रैम के लिए भी ग्रेजुएट के साथ साथ एक्सपीरियंस, 3 ईयर डिप्लोमा और लाइट मोटर व्हीकल के साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। 28,200 जिसकी सैलरी होगी, अपर एज लिमिट है वो कैटेगरी वाइज रखी गई है, जनरल के 28 वर्ष, OBC की 31 वर्ष, SC ST की 33 वर्ष। उसके बाद में आगे सीनियर रैम एग्जीक्यूटिव 3 ईयर डिप्लोमा, इसके साथ ही ITI होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग डीजल मैकेनिक बेंच फिटर वेल्डर ITI विद NCVT सर्टिफिकेट है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1 साल का
यदि कोई वेल्डर कैंडिडेट हो, अनुभव के साथ होना जरूरी है। इसके साथ साथ 10वीं पास होना जरूरी है हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में। इसके लिए जो सैलरी रखी गई है 26,980, जनरल के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए 38 वर्ष, SC ST के लिए 40 वर्ष रखी गई है। वो है रेम सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा यदि नहीं है तो ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसकी जो पे स्केल है, बेसिक पे है वो 25,980, जनरल के लिए 28 वर्ष, OBC के लिए 31 वर्ष और SC ST के लिए 33 वर्ष एज रखी गई है। और इसमें हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना जरूरी है। फिर अगली जो पोजीशन आती है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, तो इसमें SSC 10th क्लास पास होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। सैलरी है वो 23,840, जनरल की 30 वर्ष, OBC की 33, SC ST के लिए 35 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। फिर टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए ग्रेजुएशन या MBA के साथ साथ अनुभव होना जरूरी है। सैलरी है वो 75,000 रुपये एवं पर एज लिमिट 55 वर्ष रखी गई है। फिर डिप्टी टर्मिनल मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएट MBA और एक्सपीरियंस, सैलरी 60,000 रुपये अपर एज लिमिट 55,000 रुपये। उसके बाद डिप्टी ऑफिसर पैसेंजर के लिए ग्रेजुएट के साथ साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 32,200 सैलरी और अपर एज लिमिट 50 वर्ष। उसके साथ ही कंप्यूटर का भी अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। फिर टर्मिनल मैनेजर कार्गो के में ग्रेजुएट या MBA की डिग्री विद एक्सपीरियंस और 75,000 बेसिक पे, अपर एज लिमिट 55 वर्ष। फिर डिप्टी टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए भी ग्रेजुएट या MBA, जो सैलरी है 60,000 रुपये अपर एज लिमिट 55,000 रुपये। फिर डिप्टी मैनेजर कार्गो के लिए भी एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है और कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना जरूरी है। सैलरी 45,000 रुपये अपर एज 55,000 रुपये 55 वर्ष रखी गई है। फिर ड्यूटी ऑफिसर कार्गो के लिए ग्रेजुएट के साथ साथ एक्सपीरियंस, सैलरी 32,200 पर मंथ और अपर एज लिमिट है वो 50 वर्ष रखी गई है। उसके बाद है जूनियर ऑफिसर कार्गो के लिए ग्रेजुएशन, वो भी 10+2+3 फॉर्मेट के साथ साथ 9 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी 28,200 अपर एज लिमिट जनरल की 35 वर्ष, OBC की 38, SC ST की 40 वर्ष रखी गई है। उसके बाद सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन होने चाहिए 10+2+3 एग्जाम पैटर्न में, 5 साल का अनुभव, सैलरी 26,980 अपर एज लिमिट जनरल की 35 वर्ष, OBC की 38 वर्ष और SC ST के लिए 40 वर्ष। फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्सपीरियंस और 25,900 सैलरी होगी, जनरल 28 वर्ष, OBC 31 वर्ष, SC ST के लिए 33 वर्ष होना जरूरी है। फिर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 10+2 यानी 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ में एक्सपीरियंस और कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। सैलरी है वो 23,840 रुपये अपर एज लिमिट जनरल के 28 वर्ष, OBC की 31 वर्ष, SC ST की 33 वर्ष रखी गई है। फिर पैरा मेडिकल कम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, वो नर्सिंग में या BSc नर्सिंग और कंप्यूटर का नॉलेज 25,980, सैलरी एज लिमिट जनरल के 28 वर्ष, OBC की 31, SC ST के लिए 33 वर्ष लिखी गई। बस सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो जो मैनेजर रैम मेंटेनेंस, डिप्टी मैनेजर रैम मेंटेनेंस, सीनियर सुपरवाइजरी रैम मेंटेनेंस, जूनियर सुपरवाइजरी रैम मेंटेनेंस, टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर टर्मिनल, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, टर्मिनल मैनेजर कार्गो, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर कार्गो, ड्यूटी मैनेजर कार्गो, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो, जूनियर ऑफिसर कार्गो, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा। इसके अलावा जो सीनियर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर के लिए इंटरव्यू के साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा। इन्हीं के आधार पे है इनका सिलेक्शन कंप्लीट किया जाएगा, यानी इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं रखी गई है, मात्र इंटरव्यू बेस पे और टेस्ट के आधार पे ही सिलेक्शन होगा। अब हाउ टू अप्लाई के लिए आपको जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो योग्यताएं इस नोटिफिकेशन में दी है, जो कि 1 मई 2023 तक कंप्लीट करते हैं, उनको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। इसके लिए जो फॉर्म इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ, फुली केयरफुली अच्छी तरीके से भर के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और 500 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम से बनाकर आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। उसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, जो कि आपको मैं अभी दिखा दूंगा। ये फॉर्मेट
दिया हुआ है जिसमें आपको अपने फ़ोटो चिपकाने, यहाँ पे किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करने, उसके बाद आपके सारी डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और जो जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं उसके सारे डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अभी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ये सारे करने के बाद आपको सिग्नेचर करने, इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है तो इसमें आप देख सकते हो अप्लीकेशन फ़ी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, 10th स्टैंडर्ड, फिर 12th, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, ITI सर्टिफिकेट, MBA, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज, ये जितने पैन कार्ड या हार्ड कॉपी, आधार कार्ड हार्ड कॉपी, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, जेरोक्स कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी और पासपोर्ट वैलिडिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ अटैच करनी है। इसके बाद यहाँ पे ये कास्ट वाइज सर्टिफिकेट दिए हैं, ये OBC का सर्टिफिकेट दिया हुआ, इस फॉर्मेट में आपको OBC का सर्टिफिकेट बनवाना है इसी हिसाब से। फिर SC ST के सर्टिफिकेट भी नीचे दिए हुए हैं, इस जो डिफाइन और जो ये वीकली इकोनॉमिकली जो वीकर पर्सन है उनके लिए ये सर्टिफिकेट निर्धारित किए हुए हैं। ये सर्टिफिकेट तैयार करके जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको तैयार करके यहाँ पे जमा करवाने हैं। तो दोस्तों ये तो था एडवर्टाइजमेंट, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें पोस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो दोस्तों जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट हो निर्धारित दिनांकों को इंटरव्यू स्थल पर पहुँच कर इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एविएशन डिपार्टमेंट का ही एक भाग है जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंटमेंट दिया जाए, इसके साथ ही इसको फिर रिन्यू भी किया जा सकता है। दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, इस नोटिफिकेशन का लिंक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी जानकारी डिटेल में प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।